कांग्रेस ने बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि येदियुरप्पा ने 1800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। वहीं 2017 में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की रिपोर्ट में भी पे ऑफ केस लीक की बातें की गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अक्टूबर 2017 में छपी खबर की माने तो FSL को इस घोटाले से जुड़े ऑडियो क्लिप में आवाज़ के नमूने मिले थे, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को किए गए कथित भुगतानों पर चर्चा की जा रही थी। यह नमूने कथित रूप से पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं येदियुरप्पा और अनंत कुमार के साथ मेल खाते थे। FSL की रिपोर्ट में दावा किया गया था प्रश्न और नमूने के रिकॉर्डिंग से चुने गए शब्दों में स्वरों की मौलिक आवृत्ति में समानताएँ पाई गई थी, जिसके बाद KPCC लीगल सेल के चेयरमैन CM धनंजय की ओर से इस मामले में साइबर क्राइम सेल में शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने इस पर पलटवार करते हुए CM सिद्धार्थ मैया का समर्थन किया। अनंत कुमार ने लीक ऑडियो क्लिप के जरिए लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मैं सिद्धार्थ मैया और उनके सहयोगियों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से लगाए गए सभी मामलों को गिनाना चाहता हूं, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी हाईकमान को पैसे की अदायगी की गई है। वहीं जब अनंत कुमार से फॉरेंसिक रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस नेताओं की बात आती है तो यह फास्ट ट्रैक बंद हो जाता है, लेकिन जब येदियुरप्पा और अनंत कुमार की बात आती है तो यह तेजी से जाँच पड़ताल करता है। हालाँकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक के दिन येदियुरप्पा और अनंत कुमार की ओर से दिए गए भाषण का कथित ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था, किंतु उक्त CD में यह नहीं पाया गया। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन मैगजीन कारवा के हवाले से येदियुरप्पा की डायरी के जरिए बड़ा खुलासा किया। सुरजेवाला ने भाजपा नेताओं को 1800 करोड़ रुपये के लेन देन का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कहा कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यह डायरी 2017 से आयकर विभाग के पास थी और हर पेज पर येदियुरप्पा के हस्ताक्षर हैं। इसमें बीजेपी नेताओं को 100 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक दिए जाने का हिसाब भी है, साथ ही जजों को 250 करोड़ दिए जाने का भी उल्लेख है।